मतलब कल जो है पूरे इंडिया में मोर देन 1,97,000 सिम का मतलब सेल हुआ है। ये भीड़ मतलब बीएसएनएल के कस्टमर सर्विस सेंटर में पूरे मतलब सभी जगह मतलब जो है सेम सेल बढ़ी है। लोगों ने अभी 4G मतलब जो में काम करना शुरू कर दिया और हर महीने हम लोग अराउंड मतलब 100 BTS 130 BTS पूरे जम्मू कश्मीर में जुलाई महीने में लगाने का मतलब प्लान है। एक तरफ से एयरटेल और जियो और दूसरी तरफ से बीएसएनएल, और कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बीएसएनएल ने जो है वो अपनी छाप जो है वो छोड़ दी है। और आज हम खास बातचीत जो है वो बीएसएनएल के जनरल मैनेजर मुमताज साहब से जो है वो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसएनएल जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है वो अपनी डेवलपमेंट करने जा रहा है, 4G कब तक जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चलने जा रहा है। और ये भी डाटा जो है वो आपके सामने रखेंगे कि अभी तक कितनी सिमें जो है वो बीएसएनएल की इन 4 से 5 दिनों में जो है वो लोगों ने ली है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आज कल जो है वो जम्मू कश्मीर में बीएसएनएल जो है वो काफी सुर्खियों में है और सुर्खियां कहीं ना कहीं आप लोग जो है बटोर रहे हो। पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि डाटा आपके पास कितना आया है कि कितने लोगों ने जो है वो सिमें अभी तक जो है वो इन 4 से 5 दिनों में ली है। अभी इस महीने में लगभग मोर देन 10,000 लोगों ने सिम बीएसएनएल में मतलब पोर्ट कराया है और फ्यूचर में जो हमारी मतलब सिम की डिमांड है, कल हमारी सिम अराउंड 3,000 सिम बिके हैं जो है, और ये डे बाय डे मतलब सिम का मतलब सेल मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि मतलब आप सबको पता है कि एयरटेल जियो और सब लोगों ने मतलब अपनी रेट को 25 से 30% मतलब बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप जो है जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है बीएसएनएल के सिम की डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डे बाय डे बढ़ती जा रही है जो। और पिछले हाँ पूरे इंडिया में उसका मेन रीजन एक ये भी है कि प्राइवेट ऑपरेटर का रेट बढ़ना, दूसरा बीएसएनएल ने अपनी सर्विस में काफ़ी मतलब सुधार किया है। अभी बीएसएनएल ने जम्मू कश्मीर में मतलब अराउंड मतलब 29 जून के पहले मतलब जो जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी उसके लिए बीएसएनएल ने एक यात्रा सिम भी निकाला था, जो यात्रा सिम जो टूरिस्ट के लिए वैष्णो देवी यात्रा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए मतलब है। तो उसमें जो है हम लोगों ने जो है लखनपुर से लेकर के पूरा अमरनाथ यात्रा तक जो है 4G की सुविधा जो है कंटिन्यूस दी है, मतलब बिना मतलब जो है कहीं मतलब जो है कोई एरिया को छोड़े हुए इसको बीएसएनएल की सुविधा दी हुई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्लान के बारे में, थोड़ा सा आपके साथ जो है वो रूबरू होता हूँ। प्रीपेड सिम जो है वो आप लेंगे उसमें जो सबसे छोटा प्लान होगा वो 107 रुपए का होगा, जिसमें आपको 200 मिनट और उसके बाद वॉइस कॉल 3 GB डाटा जो है वो फ्री रहेगा, 35 दिन यानी कि 35 डेज का रिचार्ज जो है वो आपके पास आएगा 107। और उसके बाद अगर आप 108 रुपए का रिचार्ज करेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग 1 GB पर डे, और ये भी लगभग 28 डेज की जो है वो वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद 153 अनलिमिटेड कॉल 26 GB जो है वो डाटा आपको मिलेगा, 500 SMS मिलेंगे, और ये भी लगभग 26 डेज जो है वो आपको मिलने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल ने लोगों की जेब जो है वो डीली करना शुरू किया है और दूसरी तरफ से बीएसएनएल जो है वो आपको सबसे कम दाम में जो है वो ऑफर देने जा रहा है। अब यही मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि पिछले 5 और 6 दिन से बीएसएनएल जो है वो सुर्खियों में है और लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की जो क्वेरीज हैं, जो फारफ्लंग वाले एरिया है जम्मू कश्मीर की, वो ये कहते हैं कि हमारे इलाकों में जो है वो बीएसएनएल का जो नेटवर्क है उसकी चीज की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके लिए बीएसएनएल जो है अपने नेटवर्क को मतलब मजबूत कर रहा है और जैसा कि हम बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब सपोर्ट से जो है बीएसएनएल वहाँ वहाँ भी सर्विस देगा जहाँ पर किसी की भी मतलब मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जो है, मतलब इसको हम मतलब जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बीएसएनएल दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में 4G जो है वो किसी न किसी तरह से जो है वो हर एक जगह पे चलाना है। हाँ बीएसएनएल जो जहाँ जहाँ किसी की भी जहाँ सर्विसेज है वहाँ तो हम लोग चला ही रहे हैं, लगा ही रहे हैं। जहाँ पे किसी की भी सर्विस नहीं, मतलब किसी भी मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस नहीं है, जहाँ के लोग मोबाइल सेवा से मतलब अभी तक मतलब उनको सुविधा नहीं मिल पाई है, वहाँ पे हम लोग जो है मतलब टाइम बढ़ते टाइम के साथ जो है उनको सर्विस मतलब देने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। मतलब 4G के सवालात जो है वो काफी ज्यादा है कि जम्मू कश्मीर में 4G जो है वो बीएसएनएल का कब तक चलेगा, ओवरऑल में अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं। नहीं देखिए 100% मतलब चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोगों ने सर्विसेज जो है ऑलरेडी मतलब स्टार्ट कर दिया है। इवन आपको जानकर मतलब खुशी होगी कि हम लोगों ने लखनपुर से लेकर के पूरे अमरनाथ यात्रा हॉली केव तक जो है बीएसएनएल की 4G सर्विसेज अभी भी चालू है जो है,
और इवन जम्मू सिटीज में, श्रीनगर में हम लोग मतलब सर्विसेज मतलब नए नए एरिया में डेली मतलब 5-6 मतलब BTS मतलब लगा लगा रहे हैं, मतलब एवरेज जो है। तो BSNL की सर्विस मतलब में इम्प्रूवमेंट हो रहा यहाँ का, मतलब डेटा और सब्सक्राइबर के लिए हम लोग जो है निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। मतलब जो है मुंदा साहब, जिस तरह के प्लान जो है वो आपके पास है, कहीं ना कहीं मजदूर तबका जो है वो इस सिम को लेने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से आपने डाटा भी जो है सबके सामने रखा, मजदूर तबका वो तबका जो दिहाड़ीदार तबका है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस सिम को लेने की कोशिश कर रहा है, मगर परेशानी सिर्फ एक बात की है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव देहात के इलाके हैं, वहां कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क का जो है वो इशू आ रहा। अब यही जो है वो आपसे समझना चाहेंगे कि नेटवर्क देहाती इलाकों में, गांव देहाती इलाकों में कब तक जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक होगा? जहां जहां भी आबादी वहां पे मतलब नेटवर्क हमारा है। मेन जो मतलब दिक्कत हुआ करती थी कि जैसे हमारे कभी कभी मतलब मोबाइल सर्विसेज में कुछ कुछ एरिया में नहीं रहते थे लाइट उठ ना आने के कारण, तो हम लोगों ने मतलब बैटरी वहां लगा करके उसके मतलब सर्विसेज को मतलब कंटिन्यूस मतलब करने का मतलब प्रयास किया, और धीरे धीरे जो हमारी BTS और लिबर्टी जो है वो मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब नेटवर्क ना मिलना का जो मेरा मेन रीजन होता था कि हमारे BTS कहीं कहीं कभी मतलब कुछ मतलब नहीं चल पाते थे, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइम बढ़ तरीके से उसकी सर्विसेज को मतलब इम्प्रूवमेंट करें, जो कहीं अगर फॉल्ट है तो उसको दूर करें, जिससे मतलब ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी से अच्छी सुविधा मतलब मिल सके। जो है बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। जनरल मैनेजर BSNL जो है वो हमारे साथ बात कर रहे थे, और मैं आपको एक आंकड़ा जो है वो गिनवाता हूँ। कल के रोज में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख के करीब जो है वो BSNL की सिमें जो है वो लोगों ने ली है, और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो लगभग 3000 के करीब जो है वो कल के रोज जम्मू कश्मीर में भी जो है वो BSNL की सिमें जो है वो लोगों ने ली है। और इसी तरह से कहीं ना कहीं ये डाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक तरफ से जिस तरह से लोगों की जेब जो है वो ढीली की जा रही है, और दूसरी तरफ से BSNL का छोटे छोटे और बिल्कुल छोटे छोटे ऑफर जो है वो आपके सामने रखे गए हैं, इन ऑफरों का फायदा कहीं ना कहीं जो है वो आजकल हर एक शख्स जो है वो लेना चाहता है।